वजीफा बाबर चैनल में आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए एक बहुत ही ताकतवर एक नक्श है, यानी कि किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने का नक्श है, किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना करने का नक्श है, किसी को भी अपनी मोहब्बत में पागल करने का नक्श है। ये नक्श बहुत ही ताकतवर नक्श है, यानी कि मतलब पावरफुल नक्श है। इस नक्श को आप सोच समझ कर ही बनाएं, और ये नक्श सिर्फ आपको एक ही बनाना है। इस नक्श की बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये नक्श बहुत ही पावरफुल नक्श है। तो किसी को भी आप अपने दिल में, यानी कि किसी के भी दिल में आप मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं इस नक्श को, यानी कि इस नक्श के जरिए से। जैसे कि अब बहुत से लोग जो होते हैं दूर होते हैं, तो उनके लिए भी इस नक्श के बारे में हम बताएंगे, उन्हें कैसे किस तरीके से इस नक्श को यूज़ करना है। जैसे कि उनका महबूब, यानी कि जिससे मोहब्बत करते हैं, वो काफ़ी दूर रहता है, और बहुत से जो हैं वो पास में ही हैं, तो उनको किस तरीके से करना है, और जिनका दूर होता है उनको किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। हम बॉक्स बनाकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको एक ये बॉक्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरीके का बॉक्स बनाना। अब इसमें इस तरीके की लाइन लेने के लिए, ठीक है, अब हमें इस तरीके इधर से लेनी है। पहले बॉक्स बनाना सीख लीजिए, इसमें कितने खाने आएंगे, कितने बॉक्स आएंगे वो आप देख लीजिएगा। देखिए, 1 2 3 4, चार इधर से हैं, 1 2 3 4 इधर से हैं। ठीक है, 4 4 8 12 16, 16 बॉक्स हैं। तो आप इसी तरीके से देख लीजिए, तो ये बॉक्स आपको इस तरीके से बनाना है। और ये नक्श अगर आपसे बन जाए, बहुत से लोग होते हैं, मैंने कमेंट में यही पढ़ा है कि ये नक्श हमसे बनता नहीं, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि नक्श की आप वो, यानी कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हम जब आपको बनाकर दिखा दें, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फोटोस्टेट वाले की दुकान पर जाकर लिखवा लेना है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो पूरा तरीका इस वीडियो में जाने। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, ना ही वीडियो को आगे बढ़ाकर देखें, कोई भी बात छूट सकती है। फिर वो बात छूट गई तो फिर आप कमेंट करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखें तो आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा। देखिए, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, अगर आप शादी करना चाहते हो उससे, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, घर वालों को राज़ी करने के लिए, हर मकसद को पूरा करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से, इस बॉक्स से आपको चल के इधर को चलना है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है 5, फिर उसके बाद हमें लिखना है 1 8, फिर हमें लिखना है 1 5, फिर उसके बाद हमें लिखना है 1 2। ये अरबी में, यानी कि उर्दू में है। अगर आपसे नहीं बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, और जिससे बन जाए वो बना ले। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है क्या, यहीं से आपने फिर से स्टार्ट कर देना है। 1 6, 1 1, फिर उसके बाद फिर 6, फिर इसके बाद 1 7। आप इस तरीके से बनाएं, और इसको पाक और साफ हालत में ही आपको इस नक्श को बनाना है, गंदगी की हालत में बनाना नहीं है। और जहाँ पर पाक साफ जगह हो आप वहाँ पर अकेले बैठ जाएं, और अकेले बैठकर ही इस नक्श को बनाएं, और उसका तसव्वुर आप अपने मन में ज़रूर रखें, लेकिन कभी भी गलत ना सोचें। इस नक्श को बनाने के बाद गलत बात ना सोचें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचें। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, 1 0, फिर 1 2 2, उसके बाद 7। इस तरीके से आपको नक्श बनाना। अभी एक ये लाइन रह गई, हमें इसको भी भरना है। ये नक्श बहुत ही पावरफुल नक्श है, किसी की भी मोहब्बत पाने का नक्श है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, फिर उसके बाद हमें लिखना है 9, लो के बाद हमें फिर लिखना है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 1 4, फिर हमें यहाँ देखिए सबसे पहले हमें 7 8
786 इस तरीके से हमें देखिए लिखना है। अभी आपको स्क्रीनशॉट देना नहीं है, यहाँ पर अभी नाम लिखा जाएगा, तो उस तरीकों को भी देख लीजिए किस तरीके से नाम लिखना है और किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। देखिए ये आपने बना लिया, अभी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हो, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उसका नाम। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है जिसके लिए भी आप बनाएंगे उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद पिन लगा देना है, ये पिन है। पिन लगाने के बाद उसकी माँ का नाम, उसकी माँ का नाम, ये वाले बॉक्स में उसकी माँ का नाम लिखना है। देखिएगा, और फिर उसके बाद अभी बिन का, बिन के बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर लिखना है अलहुप। अलहुप लिखने के बाद अपना नाम, अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद अपनी माँ का नाम, इस बॉक्स में अपनी माँ का नाम लिखना है। अब देखिएगा जिसके लिए आप बना रहे हैं, अगर लड़का है तो बिन लगाएं, फिर उसकी माँ का नाम। अगर यहाँ पर लड़की है तो बिनते लगाएं, ठीक है, बिनते, फिर उसकी माँ का नाम। अगर लड़का है तो बिन, फिर उसकी माँ का नाम। अगर लड़की है तो बिनते, बिनते लगा के उसकी माँ का नाम। और यहाँ पर अगर लड़की है यहाँ पर, तो फिर लड़के को अपना नाम यहाँ लिखना है। अगर लड़का है, अगर लड़के के लिए बना रहे हो आप, तो फिर लड़की को अपना नाम यहाँ पर लिखना है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोच समझ गया। देखिए उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप बना रहे हो। अगर लड़का है तो बिन लिखना है ना, बिन के बाद उसकी माँ का नाम लिखना है जिसके लिए आप बना रहे हो। अगर लड़की, तो यहाँ पर लड़की का नाम लिखना है, फिर बिनते लगा देना है, बिनते लगाने के बाद उसकी माँ का नाम। फिर यहाँ पर आपको अलहू, फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपनी माँ का नाम लिखना है। बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई हो तो मैं वहाँ कहते माफ़ी चाहता हूँ कि आपको पूरी कोशिश की मैंने समझाने की। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आईडी पर जा जाइए, वहाँ पर हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, ये यहाँ से इतना, जब आप ये सब चीज़ लिख लोगे, उसके बाद आपको यहाँ से फोल्ड कर लेना है, इसको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से जब आप निकाल लेंगे, इतना फोल्ड कर कर, आप इतना फोल्ड करके इसको निकाल लीजिए। अब इस नक्श का आपको करना है क्या है, यानी कि जिसके दिल में आपको मोहब्बत पैदा करना है, जिसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है, जिसको आपको अपने वश में करना है, जिसको आपको अपनी मोहब्बत में दीवाना करना है, ये नक्श सिर्फ आपको पानी में घोल कर उसको पिला देना है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से पिलाएंगे, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो इस नक्श को एक गड्ढे में ले जाकर गाड़ दें, यानी कि मिट्टी का गड्ढा ले जाकर गाड़ दें। आपको गंदगी में गाड़ना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ कचरा वचरा पड़ा हो वहाँ ले जाकर आपको नहीं गाड़ना है, वरना इसका उल्टा हो जाएगा। आपको एक साफ जगह पर, यानी कि जहाँ पर साफ जगह हो वहाँ पर आपको ले जाकर गाड़ देना है। जैसे गार्डन है तो गार्डन में ले जाकर एक सही जगह पर देखकर, जहाँ पर लोग आते जाते कम हो वहाँ पर ले जाकर आप इसको गाड़ सकते हैं, और जिसका मैं वो पास है जिसको आप पिला सकते हो, तो आप उसको इस नक्श को पिला दें खोल कर। आपको थोड़ी देर पानी में डालना है, पानी में डालने के बाद उसको ले जाकर पिला देना है, और उस पानी को थोड़ा सा रख लेना है, दो तीन चार बार उस पानी को पिला देना है। और जो नहीं पिला पाते हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि इस नक्श को कहीं किसी गड्ढे में ले जाकर मिट्टी खोद कर गाड़ दें। गड्ढा काफ़ी गहरा करना है आपको, लगभग 2 वाले का गड्ढा करना है, लगभग गड्ढा करके उसमें अंदर डाल देना, ऊपर से मिट्टी डालकर, और चले आना है। फिर उस जगह को जाकर नहीं देखना है कि उस जगह पर हो क्या रहा है, कुछ भी, आपको वहाँ जाना ही नहीं है, ठीक है। कहीं आप जाकर उसको देखो क्या है क्या नहीं, तो आपको देखना नहीं है। ये नक्श बहुत ही पावरफुल नक्श है, ताकतवर नक्श है, सिर्फ एक दिन का नक्श है, और आप इस नक्श को बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हाँ, असल बात आपको करना क्या है, किस दिन आपको बनाना है, ये फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को आपको बनाना है, यानी कि जुमे वाले दिन, जुमे वाले दिन, शुक्रवार, ठीक है। किसी भी टाइम आप बना सकते हैं, किसी भी टाइम,
किसी भी टाइम पर आप इस नक्श को बना सकते हैं। फ्राइडे, जुमा यानी कि शुक्रवार, यानी कि तीनों को बोला जाता है इंग्लिश में फ्राइडे और जो उर्दू में जुमा, और वैसे यहाँ हिंदी में शुक्रवार। किसी भी टाइम आप इस नक्श को बना सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल नक्श है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और रोज़ के 2 वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब करें ना जाएं, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।